उज्जैन जिला कलेक्टर नीरज सिंह ने बडनगर तहसील के उपार्जन केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने जिन किसानों के गेहूं की खरीदारी हो गई उन्हें शीघ्र भुगतान करने के दिशा निर्देश दिए। देखिए ये रिपोर्ट। उज्जैन जिले की बडनगर तहसील में कलेक्टर उज्जैन नीरज सिंह द्वारा उपार्जन केंद्र ग्राम चिकली बलेड़ी पलसोड़ा बनबना उपार्जन केंद्र पहुंचे, जहां कलेक्टर ने पर्याप्त छांव व पीने के पानी की व्यवस्था देखी। कलेक्टर नीरज सिंह द्वारा साथ ही गेहूं में आ रही कोसी को लेकर ग्राम चिकली में कलेक्टर ने उपार्जन केंद्र के संचालक को कहा कि यहां पर पंखा लगाओ। उन्होंने संबंधित गोदाम का भी निरीक्षण किया। बड़नगर तहसील के उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण जारी है। अभी तक दो केंद्रों का निरीक्षण किया गया है, जहाँ पर जो है मानक गेहूँ खरीदने के निर्देश दिए गए हैं। पंखा सीमा का उपयोग किया जाना है और जिन किसानों का माल खरीद लिया गया है उनका शीघ्र भुगतान करने का निर्देश। बता दें कि पिछली बार बारिश के कारण लाखों रुपए के गेहूं खुले में रखे होने के कारण भीग गए थे, जिसके कारण प्रशासन और सरकार को बड़ा नुकसान हुआ था। यही कारण है प्रदेश में उज्जैन समेत प्रदेश में जिला कलेक्टर ने पहले ही मोर्चा संभाल लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, बडनगर।